प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना और उसको बोला कि तू लड़ाई करने के लिए जा, और वो लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन जब लड़ाई करने के लिए गए तो उन्होंने अपनी टोली वालों को ऐसा कहा कि जैसा मैं करूँगा वैसा आप लोग भी करना। और गिदोन ने अपने हाथ में गड़ा लिया और गड़े के अंदर दिया जलाया, और फिर जब वक्त आया तब उस घड़े को फोड़ दिया और दिया अपने हाथ में ले लिया। सभी ने भी ऐसा किया, लेकिन युद्ध में ना तो दिए की ज़रूरत थी ना ही इस घड़े की ज़रूरत थी। तो ये गिदोन ने ऐसा किया क्यों? ये दिया क्या दर्शाता है? ये घड़ा क्या है? इसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और बाइबल से दूसरा कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके सातवें वचन से लेकर उसके पंद्रह वचन तक। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरण हर शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ताकि उसको हम ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में परमेश्वर के बल और सामर्थ्य के साथ उसके अनुसार चले ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सकें। एक बार एक इंसान था जो गुब्बारे बेच रहा था गैस का, और एक जगह पर उसका एक बोतल आता है उसको लेकर वो खड़ा था, और बच्चे जो होते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं गुब्बारे। तो छोटा लड़का वो भी देखने के लिए वहाँ पर पास में खड़ा हो गया। अभी उन्होंने एक लाल कलर का गुब्बारा लिया, उसमें गैस भर दिया, फिर धागे से बांध दिया उसको, उसको छोड़ा उसके ऊपर, और ऊपर जाकर स्थिर हो गया। उसका दूसरा किनारा जो था उसने बोतल के साथ बांध दिया, फिर उसने हरा वाला लिया उसको भी वैसा ही किया, उसके अंदर गैस भरा उसको भी ऊपर उड़ाया, दूसरे छोर से बांध दिया उसको, फिर पीला वाला लिया, फिर बारी बारी से एक गुब्बारा निकला, अभी वो था काला कलर का। अभी जो काले कलर का था तो जो लड़का ये सबको देख रहा था वो पूछने लगा कि अंकल अंकल ये काला वाला भी ऊपर जाएगा? तो जो अंकल है गुब्बारे वाले वो उसको देखकर हंसने लगे। उसको नहीं मालूम कि उसको एक सवाल हो गया, जब मूसा इस धरती पर थे और मूसा को जब परमेश्वर ने चुना था तब मूसा 80 साल के थे, और मूसा को परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मूसा तू मेरे लोगों को छुड़ा। तो मूसा 80 साल के थे, बूढ़े हो गए थे, 40 साल राजकुमार बनकर रहे थे, और अभी मूसा वो चारों ओर से हार चुके थे, थक चुके थे। अब उनको ऐसा था कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने परमेश्वर के आगे बहाना बताया कि परमेश्वर मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू जा। तो मूसा ने बोला कि अगर मैं जाऊँ और इज़राइल लोगों को कहूँ, तो बोले इज़राइल लोग अगर पूछेंगे कि परमेश्वर का नाम क्या है तो मैं क्या बताऊँगा। तो सही में मूसा परमेश्वर का नाम जानना नहीं चाहते थे, उनको मालूम था कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन ये बहाना था उनका कि आपका नाम क्या है,
लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम बता दिया कि जाकर बोल देना कि यहोवा ने, मतलब मैं हूँ, ने भेजा है। फिर मूसा का ये बहाना नहीं चला तो मूसा ने एक बहाना और बता दिया कि देखो परमेश्वर वो लोग सच नहीं मानेंगे कि आपने मुझे दर्शन दिया है तो फिर क्या होगा। तो परमेश्वर उसके हाथ में 3 चमत्कार रख दिए, बोले चमत्कार जाकर वहाँ पर बताना और वो लोग मानेंगे। मूसा ने देखा ये भी बहाना नहीं चला, एक बहाना मूसा ने और बता दिया कि देखो मैं बोल नहीं सकता सही से, और फिर भी परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई हारून अभी आ रहा है तुझसे मिलने के लिए, तेरी जगह पर वो बोलेगा बस, लेकिन तू जा। फिर आखिर में मूसा ने मनाही कर दिया कि परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी को बचाना नहीं चाहता। और तब परमेश्वर ने क्रोध से कहा उसको, और फिर मूसा जो है वो जाने के लिए वो तैयार हो गए। अभी मूसा तैयार हुए इतना नहीं, लेकिन जब मूसा गए तब उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, और मूसा जैसे चमत्कार आज तक पूरे बाइबल पढ़कर देखना, ऐसे चमत्कार आज तक किसी ने नहीं किए। इतने बड़े बड़े चमत्कार मूसा ने वहाँ पर किए, पानी का लहू बना देना, समुंदर के 2 भाग कर देना, ये सब बहुत बड़े बड़े चमत्कार थे। टिड्डियाँ बुलाना, मक्खियाँ बुलाना, मेढक बुलाना, ये सब बड़े बड़े चमत्कार थे, और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। अभी मूसा जो है ओबिंदा से ये चमत्कार वो किए जा रहे, लेकिन चमत्कार जो है वो बड़ी बात नहीं है। चमत्कार इसलिए बड़ी बात नहीं कि प्रभु उसने एक बार कहा, जो उससे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21-23 कि आखिरी दिन जब मैं न्याय करूंगा और मैं लोगों को बोल दूंगा कि यहाँ से नर्क में चले जाओ, तो बोले ऐसे लोग मुझसे कहेंगे कि प्रभु प्रभु आपके नाम से तो हमने भूते निकाले, आपके नाम से तो हमने भविष्यवाणी की, आपके नाम से तो हमने बड़े बड़े चमत्कार किए, और आप हमको नर्क में डालने के लिए बोल रहे। तो परमेश्वर बोले मैं उन लोगों को कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी देखो चमत्कार करने के बाद, भविष्यवाणी करने के बाद, भूत प्रेतों को निकालने के बाद भी अगर इंसान सही से जीवन ना जिए तो वो नर्क में जा सकता है। तो इसका मतलब चमत्कार का फायदा क्या, चमत्कार कितने भी बड़े इंसान कर ले, लेकिन चमत्कार की वजह से तो परमेश्वर उसको स्वर्ग में नहीं लेने वाले। तो चमत्कार के हिसाब से कोई भी इंसान जो है वो स्वर्ग में नहीं जाने वाला, क्योंकि चमत्कार तो जादू टोना से भी हो जाता है। कई लोग होते हैं जो जादू टोना करते हैं, वो जादू टोना से चमत्कार कर देते। एक बार मैं कहीं बाहर जा रहा था तो मुझसे काफ़ी आगे जाना था, तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर। तो 100 किलोमीटर काट कर मैंने बोला चलो बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक छोटी सी एक दुकान थी, वहाँ पर चाय मिल रही थी, मैंने बोला चलो बैठ कर चाय पियेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं बैठ गया तो जो चाय वाला था वो मेरे साथ बातें करने लग गया, बोले कहाँ पर जा रहे हो, मैंने बोला मैं सूरत जा रहा हूँ, बोले अच्छा आपका बिजनेस होगा, मैंने बोला नहीं बिजनेस नहीं, फिर जॉब करते होगे, बोला जॉब भी नहीं है, बोले फिर जाते क्यों। तो मैंने उनको बताया कि देखो मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तो बोलने लगा मैं भी ऐसे ऐसे काम करता हूँ। मैं बोला आप कैसे करते हो, बोले हाँ मेरे पास भी लोग आते हैं भूत प्रेत निकालने के लिए, तो मैं वो भूत प्रेत भगा देता हूँ, और बोले मेरे तो हाथों में से वो कंकु निकलता है। तो मैं बोला क्या बात है, बोला हाँ मैं ऐसा करता हूँ। और तभी अचानक से सही में उसके हाथों से मेरे सामने ही निकलने लगा, उससे मुझे हाथ दिखा देखो निकलना शुरू हो गया, और सही में उसके हाथ जो है लाल लाल होने लगे और अंदर से कुछ निकलने लगा। मैंने बोला ये निकलने लगा वो तो बात सही, लेकिन मैं तो इसको बंद कर सकता हूँ। तो बोले ये बंद भी हो जाएगा, मैंने बोला हाँ मैं बंद कर सकता हूँ, बोले कैसे। तो मैंने उसको डांट दिया, मैंने बोला प्रभु सुख नाम में बंद हो जाए, वो लाल हाथ वापस जैसे थे ना वैसे ही हो गए। बोले यार आप तो कमाल की चीज़ हो, बोला आप हमारे यहाँ आना ऐसा ऐसा। तो कहने का मतलब चमत्कार तो कोई भी कर देता है, किसी के भी नाम से, जादू टोना से, भूत प्रेतों से चमत्कार तो जो है वो हो जाता है, शैतान भी चमत्कार कर देता है। चमत्कार बड़ी बात नहीं, क्योंकि चमत्कार से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। चाहे मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, आज तक उनके जैसे चमत्कार किसी ने नहीं किए, फिर भी चमत्कार जो है वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन
चमत्कार से भी एक बड़ी बात मूसा के अंदर थी। मूसा ने सबसे बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन फिर भी मूसा के पास उससे भी बड़ी बड़ी बात थी। और मालूम है मूसा में जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी? मूसा के अंदर नम्रता थी। मूसा जो है वो नम्र थे। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक उसका 12वां अध्याय इसका 3रा वचन। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी, सोचो उस जमाने में धरती पर जितने भी रहते थे उन सभी से नम्र। नम्रता होनी वो तो ठीक है, लेकिन सभी से नम्र होना ये कितनी बड़ी बात है। और देखो मूसा वो सबसे नम्र थे। अभी देखो नम्र थे वो बात सही है, लेकिन नम्रता आई कहाँ से? जब प्रभु सु मिले 80 साल में तब तक तो ये नहीं था, तब तक तो मना कर मैं नहीं जाने वाला, तब तक तो बहाने बता रहे थे। अचानक से ये मूसा के अंदर ये नम्रता जो है वो आई कहाँ से? इतना ही नहीं, जब इसराइल लोगों को छुड़ाया, उनको वहाँ से बाहर निकाला, और अभी तो परमेश्वर से पूछा ही था परमेश्वर हम कहाँ पर जाए, और परमेश्वर ने समुंदर वाला रास्ता बता दिया। अभी समुंदर पर पहुँचे ही थे और लोगों ने फिरौन को बताया कि फिरौन ये लोग तो समुंदर के रास्ते चले गए, मतलब ये लोग फंस जाएंगे, आगे तो रास्ता है नहीं। तो बोले चलो वापस, जो जिनको मरना था मर गए, वापस उनको हम गुलाम बनाकर लेकर ही आते, जो भी हमारा घाटा हुआ लेकिन हम भी अब उसको नहीं छोड़ेंगे। फिरौन बोलता है चलो, और वो लोग वापस गए। और लोगों ने जब फिरौन की सेना देखी तो मूसा के विरोध में हो गए, बोले हमको मरने के लिए निकाला, बोले हमने तो मना किया था तुझे कि हम लोगों को गुलाम रहने दे, क्यों छुड़ाया बोले हमको। अभी देखो सही में सभी लोग मूसा को देखकर खुश हो गए थे, हाँ मूसा छुड़ा हमको, 400 साल के बाद हम आज़ाद हो रहे हैं, सभी खुश थे। लेकिन मना कर दिया कि हमने तो नहीं चाहा था छुटना। अभी देखो अगर मूसा की जगह पर कोई और होता तो बोल सकता था कि जाओ फिर आप भी जाओ, मैं तो ये चला, अभी आपको जो करना है करो। लेकिन मूसा ने उनकी बात शांति से सुनी और परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, समुद्र को फाड़ दे। मूसा बोलते ठीक है। मूसा ने प्रार्थना की और समुद्र फट गया और सभी लोग उधर निकल गए। अभी इसराइल इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि लगातार 3 दिन तक चलते रहे और आराधना करते रहे, ना खाना मांगा ना पानी मांगा। 3 दिन के बाद सभी को प्यास लगी, प्यास लगी, पानी भी मिला लेकिन पानी जहरीला था। वापस मूसा के विरोध में आ गए, बोले हमारे पास पानी नहीं है, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। देखो ये जिम्मेदारी मूसा की नहीं है, मूसा सिर्फ छुड़ा कर लेकर आए, तो अभी इनको भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन मूसा कितने नम्र थे, बोले कोई बात नहीं मैं परमेश्वर से बात करता हूँ। परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर ने कोई लकड़ा दिखाया, कोई पेड़ दिखाया, बोले इसका लकड़ा काट कर डाल दें, जहर चला जाएगा। सभी ने पानी पिया, फिर प्यास लगी, आगे चलकर फिर पानी नहीं मिला, फिर सभी लोग मूसा के विरोध में आए। फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक चट्टान बताया, बोले वहाँ पर एक बार लकड़ी मार दे और पानी निकलेगा, और पानी निकल आया। इनको भूख लगी तो फिर चिल्ला कर कहने लगे कि मूसा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। देखो एक बार हो तो ठीक है, दो बार है तो ठीक है, बार बार अगर कोई किसी के पास जा जाकर ऐसी बातें करे उसकी नम्रता कहाँ रहेगी, है ना? लेकिन फिर भी मूसा के अंदर नम्रता बनी रही और मूसा बिंदास से इनका सहन करते रहे और मूसा इनके विरोध में कभी नहीं जाते थे। अभी यहाँ तक तो ठीक है, रास्ता लंबा लगा, बोलो कब से हम तो चले जा रहे, अभी तक विश्राम का देश तो आया नहीं, इसके लिए भी लड़ाई झगड़ा की, अभी जहाँ पहुँचना है तो वहाँ जाना तो पड़ेगा, अभी रास्ता भी इनको लंबा लगने लगा, उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा किया। तो फिर भी मूसा ने उनके साथ शांति से बात की, कोई बात नहीं आ जाएगा भाई। तो हर बार ये लोग किसी न किसी तरह से मूसा के विरोध में आते थे, लेकिन फिर भी मूसा जो थे वो नम्रता से इनके साथ पेश आते थे। इतना ही नहीं, दो बार तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर उन्होंने क्रोध किया और परमेश्वर ने पूरे इसराइल प्रजा के ऊपर क्रोध किया और मूसा को बोला, मूसा मैं तो इन सभी को मार दूंगा, मैं तो इन सभी को ख़त्म कर दूंगा और इसराइल लोगों की जगह पर तेरे से एक बड़े कौम बनाऊंगा। और बोले उनको मैं विश्राम के देश में ले कर जाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अभी सोचो कि परमेश्वर भी क्रोधायमान हो जाए और परमेश्वर भी ऐसा बोलने लगे, वो कैसी बात है। लेकिन मूसा ने दोनों बार बोला नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, इनको नहीं मारना है, इनको लेकर ही जाना है।
लेकिन सवाल ये होता है कि 80 साल के मूसा थे, तब तक ये सहनशीलता नहीं थी, तब तक मूसा के अंदर ये प्रेम नहीं था, तब तक मूसा के अंदर ये नम्रता नहीं थी। लेकिन अब मूसा के अंदर ये नम्रता जो है वो कैसे आ गई? वो तो इज़राइल प्रजा को छुड़ाने तक तैयार नहीं थे, मना कर रहे थे मैं नहीं जाऊँगा छुड़ाने के लिए, और जब बहाने नहीं चले तो स्पष्ट ही बोल दिया मैं नहीं जाने वाला छुड़ाने के लिए। अभी ऐसे मूसा थे, इसका मतलब मूसा को प्यार नहीं था इज़राइल प्रजा से। जब 80 साल के हो गए, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ छुड़ाने के, मुझे नहीं जाना है, जो होगा अभी देखा जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। और वो मूसा अब उनको इतना प्रेम कहाँ से आ गया, और इज़राइल प्रजा को बचाने के लिए वो इतने प्रयत्न क्यों कर रहे थे? जब मूसा पहाड़ के ऊपर थे परमेश्वर के साथ, 40 दिन 40 रात वहाँ पर रुके, और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर से बातचीत की, और नीचे सभी लोग इंतज़ार करते करते थक गए और सब हारून के पास आए, और हारून को बोलने लगे, हारून मूसा का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अभी समझने वाली बात है, सामने ही पहाड़ है, पहाड़ पूरा जल रहा है, मूसा वहीं पर है, धरती कांप रही थी, वो लोग जहाँ पर थे वो जगह भी कांप रही थी, तो उनको मालूम है परमेश्वर है तो मूसा है ही वहाँ पर। लेकिन फिर भी बोले, मूसा का क्या हो हमको मालूम है, हमारे लिए बोले परमेश्वर बनाओ। पर हारून भी डर गए, बोले पूरी इज़राइल प्रजा है, अगर इनको बना कर नहीं दिया तो मालूम नहीं मेरा क्या कर देंगे। तो बोले चलो सोना लेकर आओ मेरे पास, और उन्होंने उसको डालकर एक कुरित कर एक मूर्ति बना ली, बछड़ा बना लिया, और बोले यही यहोवा परमेश्वर, बोले मानो इसको। और परमेश्वर ने पहाड़ से देखा और मूसा को बोला, मूसा तू नीचे जा, कि तेरे लोग जो है ना वो भटक चुके हैं और तेरे लोग मेरे विरोध में आ चुके हैं, तू जा नीचे। अब मूसा को मालूम नहीं नीचे क्या हो रहा है, मूसा को ऐसा होगा कुछ, मूसा से शांति से आ रहे। लेकिन जब मूसा की निगाहें पड़ी तो मूसा का क्रोध भी भड़क उठा, और उनके हाथों में जो 10 आज्ञा लिखी हुई थी वो पत्थरों उन्होंने फेंक दिए, परमेश्वर का वचन जो था वो फेंक दिया। लेकिन फिर भी सभी को समझाया, चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रो, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूँ, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मैं इनको तो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, तेरे से एक बड़ी कौम जो है वो मैं पैदा करूंगा, तेरे से एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। लेकिन मूसा ने मना कर दिया कि परमेश्वर ऐसा नहीं करना है और इनको कुछ भी नहीं करना है। और आगे पढ़ो तो उसका 32 वचन, 31-32। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। देखो, जो जीवन का पुस्तक है जिसमें उन लोगों का नाम लिखा है जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, और मूसा को पक्का मालूम है मेरा नाम है उसके अंदर। और देखो मूसा का प्यार, देखो परमेश्वर इन्होंने सोने का देवता बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी क्षमा कर दो बोले, और नहीं करना है तो मुझे भी नरक में डाल दो बोले, मैं इनके साथ नरक में जाऊंगा। देखो कितना प्यार, जो छुड़ाने को तैयार नहीं थे, अब इनको मरने देने के लिए तैयार नहीं, कितना प्यार अचानक से मूसा के अंदर कैसे आ गया, कितनी सहनशीलता जो थी वो मूसा के अंदर कैसे आ गई, और मूसा के अंदर इतनी नम्रता जो है वो नम्रता कैसे आ गई। देखो मूसा जो है वो अभी संपूर्ण से बदल चुके हैं, पहले जो मूसा थे और अभी जो मूसा है उसमें बहुत अंतर है। अब मूसा के अंदर परमेश्वर वाले गुण जो है वो अंदर आ चुके हैं, जैसे परमेश्वर में प्रेम है वैसे ही मूसा के अंदर प्रेम है, परमेश्वर के अंदर जो नम्रता है वैसी नम्रता अभी मूसा के अंदर भी आ चुकी है। अब मूसा बहुत बढ़िया से वो जीवन जी रहे। एक बार तो कई लोग मूसा के विरोध में आ गए, और कई लोग मूसा के विरोध में आ गए और बोले लगे, मूसा तो अकेला पवित्र है क्या, हम पवित्र नहीं है क्या, हमारे साथ परमेश्वर बात नहीं करते, तो हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है, तो वो अगुआ बनेगा नहीं चलेगा क्या? तो परमेश्वर क्रोधायमान हो गए, मूसा को बोला, मूसा तू बाजू हट जा, और पूरी इज़राइल प्रजा को बोल रहे इससे दूर हो जाए, और सभी को दूर हटाया, और ज़मीन जो है वो फट गई वहाँ से, और सभी लोग जिंदा ही नरक में चले गए, और जो 250 लोग बचे उनको परमेश्वर की आग ने उनको ख़त्म कर दिया।
अब ये तो मूसा नहीं कर सकते, मूसा जमीन को कह नहीं सकते कि तू ऐसा कर, मूसा आग को नहीं बुला सकते, ये सब करने वाले परमेश्वर थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग आए मूसा के विरोध में, और एक वचन पढ़ते हम, गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 41वां वचन। दूसरे दिन इसराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर गुड़बड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। हाँ, अभी परमेश्वर ने जो कुछ किया था वो परमेश्वर ने किया था, और ये लोग मूसा के विरोध में आ गए। जब देखा था कि मूसा के विरोध में जाने से अंजाम क्या हुआ कि परमेश्वर ने लोगों को खत्म कर दिया, फिर भी मूसा के विरोध में आए और बोला तुम लोगों ने मार दिया मूसा को बोल रहे। अभी भी मूसा कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे इन लोगों ने ऐसा बोला फिर से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और इनके बीच में मरी शुरू हो गई। और जैसे ही मरी शुरू हो गई तो हम आगे पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 46वां वचन पढ़ो। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा तो बोल सकते थे ना, आए थे बड़े मेरा विरोध करने के लिए, मरने दो। लेकिन देखो कितना प्रेम, चाहे वो लोग कुछ भी करें मेरे साथ बचने चाहिए। तो मूसा ने हारून को बोला, हारून जल्दी से भाग, और वो खुद भी मिला पाले तंबू में चले गए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और धूप लेकर हारून जो थे सभी के बीच में चले गए और सभी को बचा लिए। लेकिन फिर भी 14,700 लोग उनमें से मर गए थे। देखो मूसा का प्रेम, जो पहले इनको बचाने के लिए मना कर रहे थे, परमेश्वर को मना कर रहे थे, परमेश्वर मैं नहीं जाने वाला, मेरे से कुछ नहीं होगा, और वही मूसा कैसे काम कर रहे थे। जब विश्राम के देश के पास पहुँच गए तो 12 लोगों को जासूसी करने के लिए भेजा, भेद लेने के लिए भेजा। वो लोग जाकर आए, आकर गलत बोलने लगे यहोशू कालेब को छोड़कर कि वहाँ तो राक्षस लोग रहते हैं, वो लोग हमको मार देंगे, हमको ख़त्म कर देंगे, परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए। और वहाँ पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने बोल दिया कि मूसा मैं इन सभी को तो ख़त्म ही कर दूँगा और तेरे से एक नई प्रजा बनाऊँगा। तब भी मूसा ने परमेश्वर को समझाया, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, अगर एक दिन में आप सभी को मार दोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे इनका परमेश्वर इनको लेकर नहीं जा सका इसलिए मार दिया, बोले आपका ही नाम खराब होगा। देखो मूसा परमेश्वर को समझाते थे, एक वक्त था कि परमेश्वर मूसा को समझा रहा था जा, और अभी देखो मूसा परमेश्वर को समझा रहे। कितनी नम्रता मूसा के अंदर, और मूसा के अंदर कितना प्रेम। जब वो लोग रास्ते में थे और अमालेक के साथ इनका युद्ध हो गया, और अमालेक के साथ युद्ध हो गया तो मूसा जो थे वो पहाड़ के ऊपर थे, ऊपर से लड़ाई देख रहे थे। तो क्या कर रहे थे, अपना हाथ उठाते थे और परमेश्वर से विनती करते थे, परमेश्वर हमारे लोगों को विजय दो। तो जब मूसा हाथ उठाते थे तो वो देखते थे कि इसराइल लोग सामने वाले को मार रहे थे, फिर आप हाथ कब तक उठाए रखोगे, तो मूसा भी थक जाते थे, तो मूसा हाथ नीचे करते थे। जैसे ही मूसा हाथ नीचे करते थे तो इसराइल लोग मार खाने लग जाते थे, तो मूसा को लगा यार ये तो ऐसा हो रहा है, मूसा फिर हाथ खड़ा कर देते थे। लेकिन कब तक करेंगे, तो मालूम है दो लोगों को बुला दिया और बोला कि तुम लोग मेरा हाथ पकड़ कर रखो। अभी चाहे दो लोग पकड़ कर रखे लेकिन दर्द तो होने ही वाला है। तो मूसा के अंदर इतना प्यार जो है वो आ गया था। एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। देखो सूरज ढल गया तब तक मूसा के हाथ उठाए रखे, चाहे लोगों ने पकड़ कर रखे लेकिन मूसा को तो दर्द होगा ना, कब से हाथ खड़े रखे उन लोगों ने। लेकिन मूसा के अंदर इतना प्यार था, मूसा के अंदर इतना प्रेम था कि वो इसराइल लोगों को मरने देना नहीं चाहते थे। एक बार मूसा ने शादी कर ली, तो मूसा की बहन मरियम और उसका बड़ा भाई हारून दोनों मूसा के विरोध में हो गए। आज तक तो प्रजा होती थी और अब तो सगे भाई बहन भी विरोध में आ गए और मूसा को बोलने लगे क्यों शादी की तूने। अभी देखने जाओ तो जाहिर सी बात है कि जिस लड़की से मूसा ने शादी की थी वो इसराइल की नहीं थी, वो कहीं बाहर की थी, और मूसा ने ही आज्ञा दी थी परमेश्वर के कहने से कि बाहर की लड़की मत लेकर आओ। लेकिन इनको इतना भी तो पता होना चाहिए कि
मूसा ने शादी की तो कोई होगा कुछ, इसमें बात होगी, परमेश्वर ने कुछ बोला भी, इतना आगे बढ़ाओ मूसा, गलती तो नहीं कर सकता। तो पूछना था मूसा ऐसा क्यों किया, तो मूसा बता देते क्या हुआ क्या नहीं। तो ये लोग तो भड़क उठे मूसा के ऊपर, तो मूसा के ऊपर भड़क उठे, तो मूसा ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मेरा दास मूसा वो ऐसा वैसा नहीं, आप लोग इनके विरोध में जाने से डरे क्यों नहीं। और अचानक से मरियम के ऊपर निगाहें पड़ी तो उसको तो कोढ़ हो चुका था, सर से लेकर पांव तक वो सफ़ेद हो चुकी थी। अभी देखो देखने जाओ तो मूसा के विरोध, तो मूसा बोल सकते थे देखा मरियम मेरे विरोध में आने से क्या क्या होता है, आज तक देखा नहीं। लेकिन मूसा कुछ नहीं बोले। लेकिन गिनती के पुस्तक में ऐसा लिखा है, गिनती की किताब इसका 12वां अध्याय और 10वें वचन से पढ़ो, तब वह बादल तंबू के ऊपर छूट गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और इसको चंगा कर। देखो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर इसको चंगा कर। कोई और होता तो बोलता भी तू भी देख ले, हो सकता है हफ्ते तक उसको बोलता कि चल हफ्ते बाद में मैं देख लूँगा, हाँ। लेकिन मूसा ने तुरंत ही काम कर दिया और तुरंत उसका कोट चला भी गया। मूसा के अंदर अभी बहुत प्रेम है, मूसा के अंदर अभी सहनशीलता है, मूसा के अंदर अभी नम्रता है। लेकिन मूसा 80 साल के थे तब तक ऐसा नहीं था। उसके बाद ये मूसा के अंदर ये सारी बातें जो है वो किस तरह से आ गई और मूसा में इतना बड़ा चेंजेस, इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो कैसे आया, क्योंकि मूसा तो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए भी तैयार रहे थे। और मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, क्या लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और निर्गमन में ऐसा लिखा उसका 33वां अध्याय 22 और 23 वचन, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। देखो मूसा को परमेश्वर ने बोला तू मेरी पीठ को देख पाएगा, और आज तक किसी ने पीठ भी नहीं देखी लेकिन मूसा ने देखी। इसका मतलब परमेश्वर जो बोल रहे जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अभी देखो मूसा का मन भी कितना शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है, वो नम्र बन चुके हैं, उनमें सहनशीलता आ चुकी है, उनमें प्रेम भर चुका है। इतना ज़्यादा परिवर्तन ये मूसा के अंदर आ चुका है। इसका कारण क्या, कैसे ऐसे हो गया कि मूसा के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया जो पहले उनके जीवन में नहीं था, लेकिन अब उनके जीवन में इतना सारा परिवर्तन वो आ गया। जब पौलुस की हम बात करते तो पौलुस जो थे वो तो मंडली को सताने वाले थे, पौलुस तो लोगों को मारने वाले थे और यहाँ तक कि लोगों को ख़त्म भी कर देते थे। ऐसे थे, अगर आज की तारीख में होते तो हम उसको बोलते आतंकवादी है, ऐसे थे पौलुस। लेकिन वो पौलुस कि जिससे लोग डरते थे, खौफ खाते थे। और एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में उसका 8वां अध्याय और 1वां वचन, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया के देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, देखो पौलुस के कारण सभी लोग भाग गए वहाँ से। सोचो इसका खौफ कितना होगा, ये कितने दरिंदे के समान होंगे कि उसका नाम सुनकर उसका पूरा इलाका लोगों ने खाली कर दिया। हाँ, मसीह के लोग वहाँ पर रहे नहीं, भाग गए सब वहाँ से। तो सोचो ये पौलुस कैसे होंगे, कितने खौफनाक होंगे। और वही पौलुस उनको परमेश्वर मिले, परमेश्वर से बातचीत हुई और बाद में वो खुद की गवाही देते। और हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों इसका 11वां अध्याय 23 से पढ़ो 27 तक, मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैते खाए, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया,
एक रात दिन में समुद्र में मैंने काटा। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में घड़े रहने में और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ देखो, ये पुरुष ऐसे तो नहीं थे, पुरुष तो लोगों को मारते थे। और पुरुष अकेले कहाँ घूमते थे, उनके साथ सिपाही लोग रहते थे, वो तो जाते थे। और अभी देखो वही पौलुस अभी सब कुछ सहन कर रहे हैं, अभी देखो पौलुस भूखे रह रहे हैं। और यहाँ पर जो लिखा है कि भूख प्यास में मैं रहा, वो भूख प्यास का मतलब ऐसा होता है कि खाने को कुछ नहीं था, ऐसा नहीं, खाने को था, पैसे भी थे, लेकिन उनको ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि खा सके। और बाइबल में देखना प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, प्रभु और चेलों के बारे में, उन सभी को भूख लगी थी, और भूख लगी थी तो वो खाना चाहते थे, खाना भी था, लेकिन एक के बाद लोग आते जाते रहते थे तो लोग खा नहीं सकते थे। तो प्रभु सुन देखा, चेलों को बोला चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, कहीं अकेले में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वहाँ जाकर शांति से खाया तो सही। चले बोलते चलो, अभी वो लोग चलकर चले गए जंगल में। तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर गए तो लोग और भी पीछे आ गए, और ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि खाना पीना नहीं था इनके पास, गरीबी आ गई थी, ऐसा नहीं था। पड़ोस के पास पैसे सब कुछ था, लेकिन वक्त नहीं मिलता था, और उनको भूखा रहना पड़ता था, प्यासा रहना पड़ता था, और उपवास करना पड़ता था। तो ऐसे जोखिमों के अंदर ये पौलुस रहे, जबकि पौलुस पहले ऐसे नहीं थे, वो तो लोगों का मर्डर करते ऐसे इंसान थे, लेकिन अब पौलुस के अंदर इतना परिवर्तन वो कैसे आ गया था? ऐसा क्या था कि पौलुस के अंदर अब परमेश्वर वाला प्यार, परमेश्वर वाली सहनशीलता, नम्रता, सब कुछ इस पौलुस के अंदर आ चुकी। इतना ही नहीं, पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 15 और 16 वचन, और हमारे प्रभु के धीरज को उत्तर समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। देखो पौलुस को इतना ज्ञान मिला था, अभी देखने जाओ तो पौलुस जो है उस जमाने का जाना माना टीचर गमलीएल उनके पास सीखे हुए थे, लेकिन वहाँ तो गलत सीखे हुए थे। मतलब अब उनके पास ऐसा ज्ञान है कि जो गमलीएल के पास भी नहीं है। तो जो पहले नहीं था वो इनके पास आया कहाँ से, ये सब कुछ इनको मिला कहाँ से, वो ध्यान से समझना कि मूसा के अंदर जबरदस्त परिवर्तन आया और पौलुस के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया। ये दोनों के पुराना जीवन कुछ अलग था, लेकिन अब उनके जीवन में कुछ अलग सी बातें, ये सारी बातें कैसे हो गए, और ये सब कुछ आने का कारण एक ही है, और वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा इंसान के अंदर इतना परिवर्तन आना वो मुश्किल है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बस सहनशीलता का सामर्थ, प्रेम करने का सामर्थ, नम्रता रखने का सामर्थ, सही सामर्थ इसमें है। भूत भगाने में सामर्थ नहीं है, या तो बीमारियां दूर करने में सामर्थ नहीं है, वो तो परमेश्वर के नाम से हो जाता है, लेकिन अपने अंदर नम्रता लेकर आना, प्रेम लेकर आना, सहनशीलता लेकर आना, इसमें सामर्थ की ज़रूरत है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। फिर फिलिपिया में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 4वां अध्याय 13 वचन, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये सब कुछ मेरे से नहीं है, वो ये कहना चाहे जो मुझे सामर्थ देता है, मतलब पवित्र आत्मा, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से। मूसा के अंदर भी पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, क्योंकि गिनती के पुस्तक में लिखा है उसका 11वां अध्याय उसका 25 वचन, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उससे मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में सम्मा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आई
तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। मूसा के अंदर जो आत्मा था उसमें से लेकर 70 लोगों को और दे दिया। इसका मतलब मूसा में परिवर्तन आने का कारण ये था कि परमेश्वर का आत्मा की। लड़के को सवाल हो गया कि हरे वाला गुब्बारा ऊपर जाता है, लाल वाला भी जाता है, पीला वाला भी जाता है, काला वाला कैसे जाएगा? क्योंकि जब काले कलर की बात आती है तो लोगों के दिल में यही है काला कलर मतलब शैतान का कलर। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। और वो अंकल हंसने इसलिए लगे कि लड़के को कुछ पता नहीं चल रहा कि लड़का भी छोटा है। वो समझाया कि बेटे ये गुब्बारे में कुछ नहीं है कि ऊपर जाए, गुब्बारे के अंदर में जो डाल रहा हूँ वो उसको ऊपर लेकर जा रहा है और वो है गैस। मूसा ऊपर नहीं आ सकते, उनमें नम्रता नहीं आ सकती, पौरुष में नम्रता नहीं आ सकती, सहनशीलता प्रेम नहीं आ सकता, उसके अंदर जो है वो उनको ऊपर उठाया जा रहा है। इनके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आते हैं तब वो ऊपर उठते हैं, तब उनके अंदर प्रेम आता है, तब उनके अंदर परिवर्तन आता है। हम सभी इंसान हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की वजह से इंसान के अंदर सब कुछ हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले सभी के लिए वो दे ही दिए और हमेशा के लिए दिए। तो ऐसा परिवर्तन आज सभी लोगों के जीवन में क्यों नहीं दिखाई देता? अगर पवित्र आत्मा सभी को दे ही दिए तो परिवर्तन जो है वो दिखता क्यों नहीं? और ध्यान से समझना कि एक बार मिदान के लोग जो थे वो इसराइल के ऊपर राज कर रहे थे, और उस वक्त गिदोन नाम का एक इंसान था, वो एक कुंड के अंदर जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है वहाँ छुप कर वो गेहूँ निकाल रहे थे, और वो गेहूँ निकाल रहे थे वहीं पर परमेश्वर का दर्शन हुआ और गिदोन के साथ बात कही। गिदोन बोले तू इसराइल लोगों को छुड़ा, मैं तेरे साथ हूँ। गिदोन बोलता है परमेश्वर अगर आप मेरे साथ होते तो मेरी ऐसी दशा कहाँ होती, मैं तो छुप छुप कर गेहूँ निकाल रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मिद्यानी लोगों को मारेगा, और अभी कैसे मारेगा जैसे तू किसी एक इंसान को मारता है। बोले परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं हूँ ना तेरे साथ, और तू सभी लोगों को इकट्ठा कर बोले, और देखना मैं तेरे जरिए विजय दिलाऊंगा। अभी गिदोन जो थे उन्होंने पूरे इसराइल में सभी को बोल दिया कि देखो हमको लड़ाई करने के लिए जाना है मैदान के सामने, कितने लोग आते लड़ाई करने के लिए? तो मान लो 32,000 लोग आ गए। जब 32,000 लोग आ गए तो परमेश्वर ने गिदोन को बोला, गिदोन ये तो बहुत ज़्यादा है, ये सारे लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि हम लोग थे ना इसलिए हम लोग जीत कर आए। तो बोले मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बोले ऐसा जाहिर कर कि जिसको डर लग रहा है वो सारे वापस चले जाएंगे। तो गिदोन ने बोला जिसको डर लग रहा है वापस चले जाओ। तो मान लो 22,000 लोग चले गए, 10,000 बचे। अभी 10,000 बचे तो परमेश्वर बोलते हैं कि गिदोन ये भी ज़्यादा है। तो बोले अब क्या करूँ? तो बोले सभी को पानी पिलाने के लिए जा, और कुछ तो कुत्ते के समान पिएंगे अपना मुंह डालकर, और कुछ लोग होंगे वो एक हाथ से पिएंगे। अभी देखो युद्ध का माहौल है, हाथ में शस्त्र है, और कई लोग कुत्ते के समान मतलब शस्त्र रखो एक और डायरेक्ट अंदर मुंह लगा दो, तो उनको कोई परवाह नहीं कि कोई हम पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी समझ लो कि हमारी ऐसी हालत हम कैसे चौंकने रहेंगे, दरवाज़ा बंद कर कर बैठेंगे, लेकिन हम ऐसे ही बेपरवाह कर बैठे मतलब तुमको ऐसा है कि कुछ नहीं है। और योद्धा लोग ऐसा करें तो ऐसे योद्धा 9,700 निकले जो कुत्ते के समान पानी पीने लग गए। बोले इनको भी घर पर भेज दे। अभी बचे सिर्फ 300। अभी देखना 32,000 से सिर्फ 300 लोग बचे। और परमेश्वर ने गिदोन को क्या बोला? गिदोन इन 300 के जरिए मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। अभी यहाँ तक तो बात ठीक थी, गिदोन भी तैयार हो गए। अभी गिदोन ने क्या किया, 100-100 की 3 सेना बना दी और बोला देखो मैं जैसा करूँगा ना वैसा ही आप लोगों को भी करना है। और हम एक वचन पढ़ते हैं न्यायाधीशों की किताब में, न्याय की किताब, और उसका 7वां अध्याय। अभी गिदोन ने क्या बोला कि सभी लोग अपने हाथ में घड़ा ले लो और घड़े के अंदर दिया जला कर रखो। अभी बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर कुछ बात हमको सिखाने के लिए जा रहे हैं, और बोले मैं जैसा करूँ वैसा ही सब करना है। अभी सभी ने हाथ में घड़े ले लिए, घड़े के अंदर दिया जला दिया और सभी लोग वहाँ से निकल पड़े, और गिदोन ने 3 सेना बनाकर तीनों को अलग अलग जगह पर रख दिया और बोले जैसे मैं करूँगा वैसा ही 300 को करना है। तो बोले ठीक है, और हम पढ़ते उसका 19 और 20 वचन पढ़ो। तो बीच वाले पहर के आदि में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी क्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को
तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंह लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार की जय। अभी देखो ध्यान से समझना कि गिदोन ने सभी को बोला घड़ा लेना है, उसके अंदर दिए जलाना है, मशाल जलानी है। और फिर मशाल वैसे बड़ी आती है लेकिन छोटा जो दिया दीपक जलाते ना बस उसकी बात थी। अभी बोले मैं जैसा करूँ वैसा करना। उन्होंने जाकर घड़ा फोड़ दिया तो सभी ने फोड़ दिए, उन्होंने हाथ में दिया लिया तो सभी ने हाथ में दिया ले लिया। लेकिन फिर आगे पढ़ना तो कहीं पर भी ना तो इन्होंने दिया का कोई इस्तेमाल किया, ना ही दिए की रोशनी इतनी ज़्यादा आती है कि युद्ध में काम करने वाली है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने विजय प्राप्त किया। फिर और भी इसराइल में से लोग लड़ाई करने के लिए आए और सभी ने लड़ाई की और गिदोन और सभी लोग जीत भी गए और मैदान से इन लोगों ने नजात पा ली, आज़ादी पा ली। तो यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसने घड़े लिए क्यों जबकि उसका कोई काम नहीं था, उसके अंदर दिया रखा क्यों, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे तो लड़ाई करनी नहीं थी, ना दिया की ज़रूरत थी ना घड़े की ज़रूरत थी। फिर गिदोन ने ऐसा किया क्यों? और इतना ही नहीं, गिदोन ने किया तो ये बात सभी ने की। अभी घड़ा क्या दर्शाता है, दिया क्या दर्शाता है, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया और इसकी ज़रूरत क्या थी? और आज जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका सातवां वचन, दूसरा कुरंथी चौथा अध्याय उसका सातवां वचन। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आदम को किससे बनाया गया था? मिट्टी से बनाया गया। हम भी किससे बने हुए? मिट्टी से। ये मिट्टी का बर्तन कोई और नहीं, मिट्टी का बर्तन हम है। और यहाँ पर जिस धन की बात की है वो पवित्र आत्मा के धन की बात की है। और वो धन कहाँ पर रहता है? मिट्टी के बर्तन के अंदर। अभी देखो आप मिट्टी के बर्तन के अंदर कुछ भी रखो, बाहर से नहीं पता चलने वाला कि इसके अंदर कुछ रखा है। जैसे मटका होता है तो मटका तो पानी के लिए होता है, तो कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा इसके अंदर पानी होगा, चाहे बताओ या ना बताओ। लेकिन हमने अंदर कुछ और भरकर रखा है, उसको नहीं पता चलने वाला कि कुछ और भरकर रखा है। अगर कुछ और है पता कब चलेगा? कि अगर वो टूट जाए तो पता चलेगा। और देखना मिट्टी का बर्तन आज नहीं तो कल टूटता ही टूटता है, कभी ना कभी तो गलती हो ही जाती है। कभी तो कभी मटका धोने के लिए जाओ और कहीं से न कहीं टकरा जाता है और टूट जाता है, ये होता ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो टूटता है, और टूटता है तो ये घड़ा जो लिया था गिदोन ने और उसके अंदर दिया रखा था, तो उन्होंने क्या किया, घड़े को फोड़ दिया। फोड़ा तब पता चला उसके अंदर क्या है, दिया है। दिया मतलब प्रकाश है और प्रकाश मतलब पवित्र आत्मा है। तो ये घड़ा जो है वो हम है और जो दिया है वो पवित्र आत्मा है। ये घड़ा मतलब हम जब तक टूटेंगे नहीं, हम मजबूत रहेंगे, हम स्ट्रांग रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो बाहर कुछ भी काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन घड़ा जो है वो कब दिखेगा कि दिया कब दिखेगा कि जब ये घड़ा जो है वो टूट जाएगा। और देखो मूसा जो थे, ओ मूसा पहले तो राजकुमार की तरह रहे और राजकुमार की तरह वो 40 साल तक फिरौन के घर में रहे। अभी सोचो जो 40 साल तक राजकुमार की तरह रहे उनका घमंड कैसे होगा, और वो तो कितने बिंदास से ना, तो उनको खाने पीने की कमी है, वो तो रथ में बैठकर बिंदास से घूमते हैं, चाहे उनके भाई लोग उनको परवाह है कि हाँ मेरे भाई लोग हैं और वो गुलाम बने हुए, उनके ऊपर प्रेम भी था कि मैं इनको छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो परमेश्वर वाली बात होनी चाहिए। उन्होंने एक मिस्री को बिंदास से मार दिया नहीं है, उसको दफन भी कर दिया। तो मूसा जो थे वो मूसा 40 साल तक बिंदास से रहे एक राजकुमार की तरह, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, ऐसी परिस्थिति आई कि उनको वहाँ से भागना पड़ा। अभी भागे वो मैदान में जाकर रहे, वहाँ पर उन्होंने शादी भी कर ली और घर जवाएँ बनकर रहे। सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि जो इंसान वो एक राजकुमार की तरह रहा हो,
महल में रहा हो, सोने चांदी में पला पसा हो और अचानक से उसको घर जमाई बनना पड़े, उसको कैसे लगेंगे। लेकिन मूसा के पास कोई चारा भी नहीं कि वापस वो फिरौन के पास जाए, फिरौन रखने वाला नहीं, फिरौन तो मारने वाला उसको। तब मूसा की मजबूरी है कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था और मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की, तब मेरी कमाई एक महीने की 30,000-35,000 कमाई होती थी। अभी उस ज़माने में ये कमाई बहुत ज़्यादा थी। अचानक से मेरे हालात ऐसे बदले कि कारोबार छीन लिया गया, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और एक छोटे से कमरे में मैं आ गया और ना मेरे पास कोई कमाई रही, कुछ भी नहीं रहा। अब मजबूरी बन गई, करे तो क्या करे। अभी हालात ही ऐसे नहीं है कि हम अच्छे से खा सके, अच्छे से रह सके, ऐसे हालात ही नहीं रहे। मूसा के जीवन में कुछ ऐसा ही हो गया कि कहाँ राजकुमार और कहाँ एक ससुर के घर में वो रह रहे। और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उनकी पत्नी भी ऐसी थी, योशीपुरा थी, वो लड़ाई झगड़े वाली थी। क्योंकि मूसा 40 साल के थे तब उन्होंने शादी की, दो बच्चे हो गए, तो चलो 45 साल के हो गए होंगे तब तक तो दो बच्चे हो गए होंगे। अभी वहाँ से 80 साल के हो तब वहाँ से वो निकले। परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला था कि 8वें दिन खतना कर दिया जाए। तो मूसा ने बोला कि देखो मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ उस परमेश्वर ने तो खतना करने को बोला है, लेकिन उसकी पत्नी ने खतना नहीं करने दिया था। वो तो जब 80 साल के हो गए जब रास्ते में थे तब उसकी पत्नी ने उस बच्चों का खतना किया। तो सोचो उस वक्त लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा ना और मूसा की नहीं चली होगी ना, तो अंदाजा आता है कि उसकी पत्नी जो है वो मूसा को बार बार बोलते हैं मेरे बाप का खाता है, यहाँ पर पढ़ा रहता है, हाँ सुनने को मिला होगा। और देखो एक राजकुमार को ही बोल रही है ऐसा, लेकिन अभी राजकुमार रहे नहीं। तो इंसान जो है वो टूटने लग जाता है, ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं, मैं आज प्रार्थना करूँगा मेरा काम हो जाएगा, कल प्रार्थना करूँगा मेरा काम हो जाएगा। हम सोचते हैं ना 6 महीने के बाद मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, फिर हम प्रार्थना भी करते हैं मेहनत भी करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद देखते हैं तो और गिर गए। हाँ तो उससे क्या होता है कि हमें हमारी हकीकत पता चलती है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जब हम प्रयत्न करते, पहले तो ऐसा होता है खून उछलता रहता है, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन जब होता नहीं है, बार बार मेहनत करने के बाद नहीं होता, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं होता। मूसा ने भी कितनी प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे हालात बदलो, मैं तो यहाँ पर घर जमा बनकर बैठा हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं विश्वास हूँ, कितना बोला होगा, लेकिन परमेश्वर जैसे सुन ही नहीं रहे। और ऐसे करते करते जब 80 साल हो गए मूसा कितने टूट गए होंगे, और तभी तो मना कर रहे मैं नहीं जाने वाला भाई, परमेश्वर बोलते मैं तेरे साथ रहूँगा तू जा, आज तक तुझे मेरी ज़रूरत नहीं थी, तू ऐसा समझता था कि मैं फिरौन बन जाऊँगा मैं छुड़ा लूँगा, लेकिन अब मैं तेरे साथ रहूँगा। और अब मूसा चमत्कार कर, तब लोगों को पता ये मूसा यार जो लोगों को मारता था, ये मूसा भी चमत्कार करते हैं, वो भी पानी का लहू बना देते, अपनी डांग डालते हैं तो वो सांप बन जाती है, और ये मेढकों को बुलाते, ये पूरे मिस्र देश में अंधकार लेकर आते। अभी लोगों को पता चला है मूसा ये कैसे है, क्योंकि सभी को मालूम मूसा ये नहीं कर सकते, अगर वो राजकुमार थे तभी ऐसा कुछ करते होते और अभी भी करते तो लोग उसमें गए, वो तो पहले भी करता था, लेकिन जो काम वो पहले नहीं कर सकते थे आज वो कर सकते हैं। तो अब लोग मूसा को पूछेंगे कि मूसा ये तेरे अंदर कैसे, तो मूसा क्या बोले मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा परमेश्वर कर रहा है। लेकिन ऐसा कब बोलेगा इंसान मालूम, जब वो टूट चुका होगा, नहीं तो क्या बोले मैं ये करता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाई करता हूँ, उसको ऐसा लगता है मैं करता हूँ। लेकिन जब उससे नहीं होता, टूट जाता है, तब जाकर वो परमेश्वर का नाम लेता है कि हाँ ये परमेश्वर कर रहे हैं। मैं जब हम टूटते हैं ना तब वो दिया वो दिखाई देता है, जब तक हम टूटते नहीं तब तक अंदर से जो पवित्र आत्मा है वो बाहर लोगों को दिखाई नहीं देते। और हमें क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को बाहर दिखाना है, लोगों को बताना है कि देखो ये मैं नहीं हूँ लेकिन ये पवित्र आत्मा से है। परमेश्वर यही चाहते हैं, इसी तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू नहीं मैं बोल कि मैं ऐसा करता हूँ, तेरे से कुछ नहीं होता। इसी तो परमेश्वर बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा नहीं तुम मेरे गवाह कैसे बनोगे, तब तक तो तुम ऐसा ही बोलते रहोगे मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। गिदोन जो छुप कर काम कर रहे थे और अचानक से लड़ाई कैसे करने लगे, अचानक से उनमें इतनी अकल कहाँ से आ गई कि 300 है तो कोई बात नहीं, इनकी 3 टोली बनाकर मैं हमला कर देता हूँ और ऐसा होगा वैसा होगा।
अचानक से कैसे लोग पूछेंगे उसको कि गिदोन आज तक तो तू छुप कर काम कर रहा था, अचानक से तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? और गिदोन बोल सकते थे कि ये मेरे से नहीं, ये पवित्र आत्मा से। लेकिन पहले उनकी हालत कैसे हो गई? पहले तो वो भी समझते हो गए कि हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ, लेकिन जब पता चला मैं कुछ नहीं कर सकता तब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जब तक हम परमेश्वर के आगे टूटेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर से नहीं कहें परमेश्वर मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तब तक परमेश्वर हमारा इस्तेमाल भी नहीं करते। परमेश्वर तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम पूरी तरह से टूट गए होते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा के जीवन में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको टूटना पड़ा। 40-40 साल तक भेड़ बकरियाँ चराते चराते एक राजकुमार जो है वो चरवाहा बन गया, पूरी तरह से टूट गया। तब परमेश्वर ने अपना आत्मा डालकर उनका इस्तेमाल किया। अब लोगों को पता चला गया कि 40 साल का जवान तो कर सकता है लेकिन 80 साल का बूढ़ा काम नहीं कर सकता। अब लोगों को पता चला कि मूसा नहीं है लेकिन मूसा के अंदर कुछ है। पौलुस को जब लोग देखते थे तो पौलुस तो वो था कि परमेश्वर के लोगों को मारने वाले, मंडली को सताने वाले, यहाँ तक कि स्टेफनस जैसे लोगों का घात करने वाले, अचानक इसके अंदर प्रेम कैसे आ गया? और तभी तो पौलुस बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं होता, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम सभी लोग मिट्टी के बर्तन हैं। जब तक मिट्टी का बर्तन मजबूत बना रहेगा, हम अपने आप को समझ रखे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तो याद रखना है कि हम कौन है, हम मिट्टी के एक बर्तन हैं। जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तोड़ने का काम भी हमारा परमेश्वर करता है। अगर हम नहीं टूटते, खुद को नहीं तोड़ते हैं, फिर परमेश्वर तोड़ देते हैं हमको, हमारे अकड़ को निकाल देते हैं। फिर परमेश्वर देखते हैं जब नहीं मान रहा तो चलो कोई बात नहीं, जब मुझसे कारोबार से निकाल दिया गया तभी मुझे ऐसा, उसमें क्या है, पार्टी तो सारे मुझे पहचानती है, मेरे पास उनके फ़ोन नंबर है, मैं उनका कॉन्टेक्ट कर लूँगा, यहाँ से काम लेकर यहाँ करवा दूँगा, बीच में से कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा। ऐसा हुआ भी, मैंने कॉन्टेक्ट भी किया, काम भी मुझे मिल गया, मैंने दूसरे को काम भी दे दिया, लेकिन पार्टी काम लेकर गई, पैसे ही नहीं देगी तो जो बच्चा पूछा था वो भी चला गया, अभी तो फ़ोन करने के भी पैसे नहीं है, तो कमाए क्या करके? परमेश्वर तोड़ते हमको। जब तक हम टूटते नहीं तब तक अंदर का दिया जो है उसका प्रकाश जो है वो प्रकाश वो बाहर नहीं आता। और इसलिए अपने आप को तोड़ना सीखो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से मुझे तोड़ डालो अंदर से। और जब हम टूट जाएंगे और हम परमेश्वर के आगे कबूल करेंगे, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, और तब देखना परमेश्वर हमारा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और तब ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है हमसे बाहर आएगा। जब तक हम ये सोचेंगे मैं कर सकता हूँ तब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात हमारा परिवर्तन जो है वो परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं हमारे जीवन में, हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि एक मसीही जीवन हो, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर के दास के समान अगर हमारा जीवन हो, परमेश्वर वाले जो उनके गुण हैं वो गुण हमारे अंदर आए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो अपने आप को हमें तोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर से कहना पड़ेगा परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी आदत है कि मोटरसाइकिल मैं बहुत अच्छी चला सकता हूँ, चाहे कितने भी रास्ता उस खराब हो और चाहे कितना भी लंबा जाना हो, और मेरे पीछे आज तक जितने बैठे वो सभी लोग बोलते हैं आपके पीछे बैठने से का आनंद आता है कि डर नहीं लगता कि आप ऐसे चलाते हो। लेकिन फिर भी हर बार मैं बाइक से पर बैठने से पहले घर में प्रार्थना कर कर निकलूँ, परमेश्वर मुझे नहीं आती, आप मुझे सिखाना कि मुझे किस तरह से चलना है। और मेरी प्रार्थना में मैं हमेशा बोलता हूँ परमेश्वर और जितने भी व्हीकल हैं उनको मेरे से दूर रखना, क्योंकि मैं तो दूर रहूँगा लेकिन वो लोग मेरे ऊपर आए तो मैं क्या करूँ परमेश्वर उनको भी मेरे से दूर ही रखना, क्योंकि कब क्या हो जाए। अभी 2 दिन पहले एक भाई साहब विश्वासी थे, बरसात बहुत हो रही थी, अरोड़ा शहर में से निकले और तभी सामने से कार आ गई और कार वाले ने टक्कर लगा दी उनको। चलो अच्छा हड्डी बड्डी नहीं टूटी लेकिन कुछ लगा तो सही, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन सामने वाला हमारे ऊपर आ जाए, हम अपने आप को संभाल सकते, सामने वाले को कौन संभालेगा, उसका हैंडल तो हमारे हाथ में नहीं, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, फिर तो परमेश्वर की ज़रूरत है। तो परमेश्वर को हमारा भी हैंडल दे दो, उनका भी दे दो। तो जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं आएगी, जब बहनें खाना बनाती हैं
क्या डालना है कितना डालना है वो छोड़ो, प्रार्थना करो। परमेश्वर मुझे नहीं आता है, चाहे लोग हमारी तारीफ करते हो लेकिन हमें क्या हुआ, परमेश्वर मुझे नहीं आता कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, आप डालो बस और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जल्दबाजी में बनाओगे तो भी बढ़िया बनेगा, लोग बोलेंगे बहुत आनंद आया खाने में। लेकिन हमें अपने आप को इस तरह से तोड़ना है। एक बार मेरी पत्नी ने वो चावल बनाए, चावल बनाया तो उसके अंदर नमक डाल दिया था, नमक डाल दिया, दिमाग से निकल गया कि नमक डाला था या नहीं डाला था। फिर से नमक लिया और डालने जा रही थी और अचानक से याद आ गया कि डाला था, लेकिन तब तक तो हाथ खुल गया अंदर चला गया। अभी उसे चक्कर देखा तो बहुत ही नमक था, बोले अभी खाएंगे कैसे, अभी उतने चावल डाल नहीं सकते, वो भी ख़राब होंगे। तो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर नमक तो डबल है लेकिन आप आधा गायब कर दो। अभी क्या हुआ कि जब हम खाने के लिए बैठे मुझे बार बार पूछे नमक ठीक है, नमक ठीक है, ठीक है अभी नमक ठीक ही था। फिर बाद में उसने गवाही दी, बोले ऐसा ऐसा हो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। अभी ऐसे ही मैं किसी के घर में बैठा था तो मैंने वहाँ पर ये गवाही के तौर पर बता दिया, किसी बात से बात चले होगी। अभी उनका घर काफ़ी पुराना था और छत जो है वो टूट टूट कर गिर रही थी कभी कभी। अभी एक बार वो खाना बना रही थी और वो भी चावल बना रही थी और तभी ऐसा हुआ कि वो हिलाने के लिए गई और ऊपर से छत का टुकड़ा टुकड़ा गिरकर सारी रेत जो सूसी थी अंदर चली गई और उसे हिला भी दिया। बोला भी कह रहे कि आप कंकर तो आने वाले खाने में, तभी उसको याद आया कि स्टेली मैंने गवाही बताई थी नमक कम कर दिया था, वो तो रेत भी कम कर सकते हैं। तो परमेश्वर को बोला परमेश्वर रेत जो है ना उसको गायब कर दो। बोले हमने कुरेत कुरेत कर खाया कुछ भी नहीं आया। हाँ ये परमेश्वर का काम है। लेकिन ये कब होता है मालूम, ये हमसे होता है कि हम नमक निकाल सकते नहीं निकाल सकते, क्या हम रेत निकाल सकते नहीं निकाल सकते। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते और इसलिए हम पहले से अपने आप को तोड़ना है कि नहीं परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो हमको आता है वो भी मना कर दो, नहीं परमेश्वर मुझे आता नहीं, क्योंकि ज्ञान देने वाले वही है। एक लड़का IAS ऑफिसर बनना चाहता था और उसका दिमाग काफ़ी तेज था, उसके परिवार वाले उससे बहुत खुश थे और आगे पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने ज़मीन जो है गिरवी रख दी। बोले कोई बात नहीं हमारा लड़का तो बहुत जल्द इसको छुड़वा देगा, और मालूम वो लड़का पागल हो गया। अभी ज़मीन भी गई, लड़का भी हाथ से गया, आज भी वो पागल की तरह घूम रहा है। तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन हर बात में हमें क्या बोलना है, परमेश्वर आप, जब हम अपने आप को तोड़ देंगे तभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जरिए प्रकट होगा। मूसा कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को तोड़ा है, जब पौलुस ने अपने आप को तोड़ा तब वो दिया, तब पवित्र आत्मा और तब उनका सामर्थ्य बाहर दिखाई देने लगा। हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर नम्रता नहीं है मैं ला भी नहीं सकता, मेरे अंदर सहनशीलता नहीं मैं ला भी नहीं सकता, मेरे अंदर प्रेम नहीं है मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को तोड़ो, मैं नहीं कर सकता, और आप चाहोगे कि मैं कर सकता हूँ मैं मसीह जीवन जी सकता हूँ तो कभी नहीं होगा, लेकिन अपने आप को तोड़ो और देखो परमेश्वर हमको कैसे ऊँचाई के ऊपर लेकर जाते हैं। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें कि हम सभी अपने आप को जांचें, हम सभी अपने आप को परखें कि हम कैसा जीवन जीते हैं, क्या मेरा जीवन एक मसीही जीवन है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य वो नम्रता वो प्रेम वो सहनशीलता क्या वो सब कुछ है मेरे अंदर। अगर वो नहीं है तो इसका कारण यही है कि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने बरसों पहले हमको दे ही दी है लेकिन हमारा मिट्टी का जो बर्तन है वो भी टूटा नहीं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। जब तक बर्तन टूटेगा नहीं अंदर का प्रकाश बाहर नहीं आएगा। हम अपने आप को तोड़ दें, परमेश्वर के हवाले कर दें और परमेश्वर से कह दे कि हाँ परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और देखो हमारे परमेश्वर हमें अपने आत्मा से भरेंगे, हमारा इस्तेमाल करेंगे और हमारे रिश्तेदार हमारे आसपास के लोग हमारे मंडली के लोग बोलेंगे कि तू पहले तो ऐसा नहीं था, तेरे अंदर ये सारी बातें नहीं थी, ये सारी बातें तेरे अंदर कैसे आ गई, तेरे अंदर सामर्थ कहाँ से आया, तेरे अंदर प्रेम कहाँ से आया। लेकिन ये इसलिए हुआ कि हमने अपने आप को तोड़ा है। हम अपने आप को तोड़े और परमेश्वर भी चाहते वो भी हमको तोड़ेंगे और अपना आत्मा देंगे ताकि उस टूटे हुए बर्तन में से
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो दिखे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।